एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th है, मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 2 का स्पॉट नंबर 3। फोर एक माइनस 32x इक्वल टू 17x स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको हम अरेंज करते हैं इस इक्वेशन को। ये जो यहाँ तो इक्वल आप देखें दरमियान में इक्वल है, हाफ जो रकम है वो एक तरफ है और आधी रकम जो है वो इस तरफ है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं कि हम यहाँ तो सारी को, तो ये हमारे पास तो दो तरीके हैं कि यहाँ तो हम सारी जो है राइट वाई जो राइट साइड वाई ये वाली जो रकम है इसको उठा के इस तरफ ले जाएं, या फिर ये लेफ़्ट साइड जो रकम है इसको उठा के इस तरफ ले जाएं। तो इससे हमें क्या होगा, हमें इक्वल के एक तरफ जो वो ज़ीरो मिलेगा। तो जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो भी तो यही है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो देखें एक तरफ ज़ीरो है ना, तो जब एक तरफ ज़ीरो तो सारी रकमें एक तरफ हो जाएंगी इस तरफ। तो हम यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही करने लगे, इसको मैं रेट कर दूँगा। अब ये स्टूडेंट की चॉइस है कि वो लेफ़्ट को राइट में लेके जाते हैं या राइट साइड वाली रकम को लेफ़्ट में लेके जाते हैं। चलिए देखते हैं, अब हम सारी जो रकम ये वाली जो लेफ़्ट हैंड साइड वाली रकम है इसको उठा के हम इधर से इधर राइट में लेके जाने लगे। तो ये 17x के तो ये पहले ही ऑलरेडी उधर है, अब ये दूसरी जगह ये जो माइनस में है 32 ये प्लस के साथ 32x हो जाएगी और ये प्लस का फोर ये माइनस के साथ हो इक्वल टू ज़ीरो, इस तरफ सारी रकम ज़ीरो रहेगी। तो इस तरह हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिलेगी। अब हमने क्या करना है, सेम मेथड है कि हमने पहले रकम के कोएफिशिएंट को इसको इस रकम का ज़रब देनी है, तो वो देखते हैं वो कितने बनेगी। 17x स्क्वायर को ज़रब दे देते हैं माइनस 4 के साथ, तो ये कितना आएगा, तो ये हमारे पास हमें मिलेगी रकम माइनस 68x की स्क्वायर। ठीक है जी, अब हमने इसी रकम के ये रकम लेनी है, दरमियान जो रकम है 32x इसके ये वाली रकम जो है इसके दो हिस्से करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिले 68x की स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम अगर 34x में से माइनस 2x कर दें तो ये हमें कितना मिलेगा, तो ये हमें मिल रहा है 32x। ठीक हो गया, अब अगर इसको ज़रब दे दें 34x को मल्टीप्लाई कर दें माइनस 2x के साथ हमें क्या मिलेगा, माइनस 68x। यानी कि जमा माइनस करने से हमें क्या मिल रहा है, ये रकम मिल रही है 32x और मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिल रहा है वो जो माइनस 68x। तो ये हमारे दोनों पेयर ठीक हैं, इन पेयर को हम देते हैं, ये पेयर जो हमारा हम इसको यूज़ करेंगे 17x की स्क्वायर प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू ज़ीरो। अब इन दो पहले दो टर्म में इसमें से कॉमन लें, कॉमन क्या आएगा 17x, 17 बाहर एक्स भी एक निकल गया, पीछे एक एक्स रह गया, 17 का टेबल पढ़ें 34 था तो 17 दो बार 34 होता है 2 आएगा, इधर एक्स बाहर चले गया, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लें और एक्स प्लस 2 आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। तो इस तरह हमारे पास अब एक्स प्लस 2 को कॉमन ले लें, एक्स प्लस 2 तो ये आ जाएगा 17x माइनस 2 इक्वल टू ज़ीरो। ये हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो चुका है, अब एक्स की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं तो एक्स को यहाँ से एक्स माइनस 2 में मिलेगा हमें एक, और एंड 17x माइनस 2 को अगर इक्वल टू ज़ीरो करें तो 17x इक्वल टू 2 के,
और एक्स आ जाएगा 2 बाई 17। अब हम क्वेश्चन का आंसर चेक करें।